शहर में जश्न ईद मिलाद उन नबी पर्व शांति अपने भाईचारे के साथ संपन्न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी अमित सिंह ने मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों और समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के सामने त्यौहार की व्यवस्थाओं को रखा और अपने सुझाव भी दिए। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने समाज के लोगों से अपील की है कि पर्व के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन का विशेष ध्यान रखा जाए। पर्व पर मंच लगाने और साउंड बॉक्स का उपयोग करने के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति ली जाए, ताकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी शामिल थे। क्योंकि मार इतना बड़ा होता था, क्योंकि आपको जानकारी तो लग चुकी होगी, लेकिन ये आपके जबलपुर का आपका ये पहला जश्न मिलाद उन्नबी का त्यौहार होगा। कम से कम 2 से 3 लाख का मार निकलता है और चारों तरफ से जुलूस होता है। फोकस ये रहा है कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में जो निर्देश है उनका पालन किया जाए, चाहे वो विभिन्न प्रकार के आयोजनों की परमिशन है, चाहे वो डीजे से संदर्भ हो, साउंड बॉक्स से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में चर्चा की गई और ये तय किया गया कि किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा और अच्छी तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा। जो निर्देश है उनका अच्छा सा पालन किया जाएगा। देखिए, रैली के संदर्भ में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, जो उसकी विधिवत परमिशन ले लें, चाहे वो साउंड बॉक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मंच से रिलेटेड हो, चाहे वो लंगर से रिलेटेड हो, ये बात बहुत ही उचित है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को, तो ये एक आह्वान भी किया गया कि लोगों को बताया जाए। हमारी तरफ से अगर कोई जायज परमिशन रहेगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। सभी को अपना त्यौहार मनाने की अनुमति है, लेकिन दायरा रहे, संवैधानिक तरीके से हो, चुनाव आचार संहिता के जो निर्देश हैं उनका पालन। मंच को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल, निर्देश जारी किए कि मंच विवादास्पद स्थान पर ना हो, मंच इस तरह से न लगाए जाएं कि जो सड़क है वो बाधित हो, आवागमन बाधित हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग इस जश्न में शामिल होते, काफ़ी भीड़ रहती है, और कहीं से किसी तरीके का अवरोध ना हो, किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, इसके लिए मंच जो है परंपरागत स्थान पर लगे, क्योंकि ये त्यौहार पहली बार नहीं मनाया जा रहा, लंबे समय से मनाया जा रहा है, तो परंपरागत स्थान पर लगे ताकि अच्छे से त्यौहार।